छत्तीसगढ़ में हो रहे रेत के अवैध खनन और परिवहन का मुद्दा आज विधानसभा में जमकर गूंजा। कांग्रेस विधायक शेष राग हरिवंश द्वारा उठाए सवाल पर धर्मजीत सिंह ने सरकार को घेरते हुए रेत खदानों में ठेकेदारों की मनमानी का आरोप लगाया। धर्मजीत सिंह ने चुनौती देते हुए कहा कि मंत्री जी अभी हेलीकॉप्टर मंगवा लीजिए और रेत घाट का सर्वे करवा लीजिए। अगर 200 पोकलेन मशीन नदी में नहीं होंगे तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। धर्मजीत सिंह ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि पिछली सरकार ने रेत का बड़ा खेल खेला है, घाटों का अधिकार पूर्व की तरह पंचायत को देने की जरूरत है। इसके अलावा 15 दिनों तक लगातार कार्रवाई करने की जरूरत है। विधायक राकेश सेन ने कहा कि खनिज जब्त होता है तो कहाँ रखा जाता है। इस पर मंत्री ने कहा कि खनिज का मूल्य और फाइन दोनों उसमें रहता है, फाइन लेकर खनिज उसी व्यक्ति को वापस दे दिया जाता है। राकेश सेन ने यह भी कहा कि पिछले 5 सालों में रेत खनन में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जांजगीर चांपा जिले का भर नहीं है, ये पूरे प्रदेश में रेत के खदानों को टेंडर में लेकर के मनमानी करने का ठेकेदारों की प्रवृत्ति है। मैं तो माननीय मंत्री जी से बोल रहा हूँ ना, अभी हेलीकॉप्टर मंगवा लीजिए और यहाँ से बैठ के चलिए नदी के ऊपर। अगर आपको 200 पोकलेन और डोजर नहीं मिलेंगे तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। प्रश्न ये है कि अनुमति नहीं है, लेकिन बिना अनुमति क्यों चलाते हैं, तो कैसे चलाते हैं? अध्यक्ष महोदय, आप अभी चलिए, अभी आप अपने अधिकारियों को ऑर्डर करिए, अगर 50 पोकलेन नहीं मिलेंगे नदी के अंदर। अध्यक्ष जी, पुल के नीचे के तक गोड़ा को तक खोद करके बर्बाद कर दिए हैं। बिलासपुर में तो अरपा को नोच करके पता नहीं क्या क्या बना दिए हैं। तो माननीय मंत्री जी, आप इसमें विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देंगे क्या कि 15 दिन तक लगातार मुहिम चला करके पोकलेन जब्त करें? 15 दिन उनका बिजनेस तो बंद होगा ना, मैनुअल करना पड़ता है। एक और दूसरा आपसे मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रदेश की जनता पर आप कृपा करने के बारे में विचार करेंगे कि ये रेत वेत का ठेका वेका करके तमाम बाहुबलियों को इस व्यापार को करने से रोकिए और ग्राम पंचायत के हमारे सरपंचों को जैसे पहली व्यवस्था थी वैसा दे दीजिए। अच्छा होगा बुरा होगा, लेकिन कम से कम ये बाहुबली और जो तहसीलदार को दौड़ा देते हैं, फॉरेस्ट वालों को पीटते मारते हैं या खनिज वालों को तंग करते हैं, इस तरीके की घटना नहीं होगी। तो आप 15 दिन तक के हर घाट पे रोज चेकिंग करवाएंगे क्या? एक और दूसरा, क्या आप विचार करेंगे कि इस प्रकार के इस ठेके को निरस्त कर दें? 200-250 करोड़ रुपये से ज़्यादा आता नहीं, पर तमाशा पूरा होता है। अध्यक्ष महोदय, अब पिछली सरकार में, अध्यक्ष महोदय मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बलरामपुर में रायबरेली के एक नेता को भेजा गया और ये कहा गया कि ठेकेदार ए है लेकिन ये बी उसमें 50% पार्टनर रहेगा। डायरेक्ट फोन मंत्रालय से जाता था और ये बिल्कुल सच बात है। एक जगह और इसी तरीके से नेता भेजे गए। तो ये सब जो विकृतियां हैं उसको दूर करिए भाई। अब वही वही जवाब आप देंगे अगर वही सरकारी लिखा पढ़ी में नहीं, नियम में नहीं है, वहाँ कोई जब्ती नहीं हुआ है। 70,000 में लाओ ना, 70,000 लेते जाना, मैं रोज जाके उल्लंघन करके रेत निकालूंगा, क्या करोगे आप? ये कोई हल थोड़ी हुआ है। आप हल निकालिए, रेत के माफियाओं पर शिकंजा कसिए और इस प्रदेश की जनता को रेत उपलब्ध हो और रेत माफियाओं की दादागिरी खत्म कर दीजिए। ये आपसे मेरा निवेदन। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मेरा दूसरा प्रश्न और मैं पहले ही बार प्रश्न के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई हो आपको। धन्यवाद और बधाई मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूँ कि मेरे समाज से भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया है। इस सदन से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरा कि पूरे भारतवर्ष में पहला विधायक हूँ जो सेन नाई समाज से 6 दशक के बाद इस सदन में पहुंचा हूं, उसके लिए मैं अपने आपको बधाई देते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से एक बार फाइनली ये जानना चाहता हूं कि क्या इस रेत के ठेके के बारे में सरकार विचार करेगी और इसी प्रकार का या तो चलते रहेगा या इस पर आप कुछ करने वाले हैं, ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य की का कंसर्न है कि बाहुबली लोग इसमें शामिल हो गए हैं, पहले की सरकार में ग्राम पंचायतों के माध्यम से अच्छा से चलता था, तो रेत की व्यवस्था में पूरा कैसे सुधार हो,
इसके लिए निश्चित रूप से विभाग विचार करेगा और उचित निर्णय लेगा। अध्यक्ष महोदय जी, बहुत जल्द अध्यक्ष महोदय जी, पहली बार ये प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी प्रश्न शुरू नहीं किया है, पहली बार वो शेष राज जी ने पूछा है। उसने एक बात आपको याद दिलाई है कि एक 16 साल की बच्ची उसी गलत परिवहन में दब के मर गई है, तो क्या आप उसको क्षतिपूर्ति दिलाएंगे, उसकी घोषणा कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार जो बेस्ट मदद हो सकता है वो तो हम सुनिश्चित करेंगे ही, और नियम से स्वेच्छानुदान आदि के माध्यम से हम उचित निर्णय लेवाने का प्रयास। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जनवरी 2021 से दिनांक 15 जनवरी 2024 तक सरगुजा संभाग अंतर्गत जिला सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज एवं सूरजपुर में रेत के अवैध खनन एवं परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज है? रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के 10 प्रकरण में क्या कार्रवाई की गई है? जिलेवार मैंने इसकी जानकारी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो खनिज के प्रकरण दर्ज होते हैं, परिवहन हो या उत्खनन हो, उसमें जो वसूली की जाती है, राशि पेनाल्टी के रूप में लिया जाता है, उसमें उस खनिज का मूल्य भी समाहित होता है। उस खनिज का मूल्य और उसके साथ उसमें फाइन दोनों को ऐड करते हुए वसूली की जाती है, इसलिए उसका पूरा पैसा और पेनाल्टी का पैसा दोनों ले लिया जाता है और उस खनिज को उसे वापस दे दिया जाता है। नहीं अध्यक्ष महोदय, अच्छा, और अध्यक्ष महोदय, जो भंडारण के स्वीकृत प्रकरण हैं वो तीनों जिला मिलाकर के 43 हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मेरे पहले प्रश्न में वित्त मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी जी जवाब दे रहे हैं। अगर पेनाल्टी की बात है तो जो आपने उल्लेख किया है कि खनिज जब्त किया गया है, उसमें आपने कहीं भी यह नहीं किया गया कि उससे जो खनिज के रूप में पेनाल्टी लिया गया है, और आपने साफ शब्दों में कहा है कि खनिज को जब्त किया गया है, तो खनिज है कहाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ। और ये आपको और बताना चाहता हूँ आदरणीय मंत्री जी, लगातार रेत के विषय पर भी माननीय सदस्यों ने भी अपनी बात कही है, इसे लेके एक बड़ा भ्रष्टाचार पिछले 5 वर्षों में इस प्रदेश में हुआ है, और खनिज जब्त करने के बाद उस खनिज को भी गैर कानूनी रूप से उसको विक्रय कर दिया गया। तो इसलिए मेरे प्रश्न की चिंता बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये विष्णुदेव जी की सरकार है और इस सरकार में मुझे पूरा यकीन है रेत खनन जैसे अवैध कार्य नहीं होंगे, और उसमें जिस प्रकार से खनिज की जो अवैध बिक्री हो रही है वो भी नहीं होगी, इसलिए मुझे जवाब इसका अवश्य चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो मैंने बताया कि जैसे ट्रक पकड़ा गया, अब ट्रक में जो भी खनिज है उसमें जो पेनाल्टी इम्पोज करते हैं, उसमें खनिज का मूल्य और पेनाल्टी दोनों को जोड़ा जाता है, और जब राशि जोड़ा गया है, माननीय मंत्री जी जोड़ा गया है, लेकिन वो है कहाँ खनिज कहाँ रखा है, गया कहाँ, वो सारे खनिज प्रदेश भर के जो जब्ती किए गए वो खनिज है कहाँ, क्या उसको नीलाम किया गया, क्या उसको ऑक्शन बुलाया गया कि उसको अवैध रूप से अधिकारियों ने बेच दिया उसे? अध्यक्ष महोदय, यही मैं रखना चाह रहा हूँ, उस खनिज को वापस जो अवैध उत्खनन या परिवहन कर रहा होता है उसी को दे दिया जाता है, लेकिन पेनाल्टी भी उससे वसूली जाती है, उस खनिज का मूल्य भी वसूला जाता है, और जब राशि जमा हो जाती है तभी उसको छोड़ा जाता है, वाहन को और खनिज को उसको। लेकिन आपके दस्तावेज में कहीं भी नहीं दिखाया जा रहा है कि उसको वापिस उसको दे दिया गया या बेच दिया गया। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुझे मालूम है इसका जवाब आ पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पूरे चिंता का विषय है, मैं बस इतना आपसे जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी, अगर कोई ऐसे खनिज जब्त हुए उसका अवैध रूप से अगर विक्रय कर दिया गया है या प्रदेश भर में इस प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या इसकी जांच आप कराएंगे, क्या इस पे आप कोई कार्यवाही करेंगे, और क्या इस सदन के माध्यम से एक बड़ा मैसेज इस प्रदेश के उन लोगों को देंगे जो अवैध कारोबार देते हैं, और ऐसे अधिकारी जो इसमें लिप्त है उनको भी एक कड़ा संदेश देने का काम क्या इस सदन से आप करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से रख रहा हूँ कि जो खनिज जो जब्त होता है, मतलब जो ट्रक जब्त होता है, ट्रक को पकड़ते हैं, उसके खनिज को वापस लेके उसको ऑक्शन करना ये सब नहीं है, उसको वापस उसी को दे दिया जाता है, लेकिन उसके राशि का उसका कुल मूल्य और पेनाल्टी दोनों वसूल करके जाता है, और राशि जमा हो जाती है तब उसको दिया जाता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये सम्माननीय सदन है और सम्माननीय सदस्य के कहीं पर कोई कंसर्न है, कहीं पर कोई कुछ हुआ है जो उनको लगता है कि इल्लीगल हुआ है, अवैध हुआ है, गलत हुआ है,
तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बता दें माननीय विभागीय मंत्री जी को रख करके हम एक हफ्ते के अंदर उसमें हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। मैं व्यक्तिगत नहीं, मैं सार्वजनिक सदन में मैं आपसे जांच की मांग से ये चाहता हूँ। सरगुजा संभाग अंतर्गत जिला सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज और सूरजपुर में जितने भी खनिज जब्त हुए हैं, जितने अवैध अवैध के काम हुए और जो भी खनिज जब्त हुए हैं उस पर आप जांच की मांग इस विषय पे आप करवा दीजिए कि इस पर आप जांच करवाएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी रेत के मेरा भी प्रश्न लगा हुआ पर बहुत पीछे है,